नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए मंगलवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है। उन्होंने एक्सपर्ट सिलसिलेवार पोस्ट में कहा है, सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं। सबसे उम्रदराज भारतीय टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान दत्ताजी गायकवाड़ का आज निधन हो गया। दत्ताजी 95 साल के थे। निधन से पहले उनके नाम सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड दर्ज था। डीके के नाम से प्रसिद्ध दत्ताजी कृष्ण राव ने बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया था और कप्तान के रूप में अपने पहले संस्करण में 1957-58 सीजन में टीम को रणजी का खिताब दिलाया था। साल 2016 में 87 साल की आयु में दीपक सोधन के दुखद निधन के बाद गायकवाड़ सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर बने थे। अब दत्ताजी के निधन के बाद सीडी गोपीनाथ सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर हैं। उत्तर प्रदेश में बीते रविवार को संपन्न हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा में जांच के आदेश दिए गए हैं। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आयोग की कमेटी और एसटीएफ जांच करेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आयोग ने आंतरिक जाँच के आदेश दिए हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा पेपर लीक की शिकायतों की जाँच के लिए कमेटी गठित की गई है। मिथुन चक्रवर्ती को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया था। अब एक्टर की तबीयत में सुधार हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एक्टर को पीएम मोदी ने फोन करके उनका हालचाल जाना और उन्हें डांट भी लगाई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मिथुन को सोमवार दोपहर को हॉस्पिटल में डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद एक्टर ने खुद इस बात को कन्फर्म किया है कि वे अब ठीक हैं और जल्द काम शुरू करेंगे। नियोजित शिक्षकों के साथ ही अब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के पाठक को झटका दिया है। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने पर नियोजित शिक्षकों की नौकरी खत्म होने की अनुशंसा के सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कमेटी ने अनुशंसा की है, पर सरकार ने इस अनुशंसा पर मुहर नहीं लगाई है, इसलिए नियोजित शिक्षकों को घबराना नहीं चाहिए। अभी परीक्षा चल रही है, इनमें उन्हें शामिल होना चाहिए। उनकी जो मांग है सरकार उस पर विचार करेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली जेई मेन्स सेशन एक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए जेई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ और टॉपर्स लिस्ट भी जारी की हुई है। इस साल 23 छात्रों को जेई मेन्स परीक्षा में 100% मिला है। 100% लाने वाले छात्रों में एक भी लड़की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में सांसद खेलकूद स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत ही गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग यानी कि GLPL का भी आगाज होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट 7 विधायक की टीमों के बीच खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या ने सरकार के इस मुहिम का समर्थन किया है। बता दें कि मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाए जाने के बाद पहली बार हार्दिक पांड्या किसी ऐसे इवेंट में नजर आए हैं। अपने बयान से अक्सर विवादों में रहने वाले अनुभवी कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने रविवार को पाकिस्तानियों की प्रशंसा की, उन्हें भारत की सबसे बड़ी संपत्ति करार दिया, जिससे एक नया विवाद पैदा हो गया है। पाकिस्तान के एक अखबार के अनुसार अय्यर ने लाहौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मेरे अनुभव से पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो शायद दूसरे पक्ष के लिए कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया करते हैं। यदि भारत मित्र की तरह तो पाकिस्तानी अति मित्रवत है और यदि भारत शत्रुतापूर्ण है तो पाकिस्तान अत्यधिक शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस कानून के खिलाफ कोर्ट में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील प्रसाद भूषण ने कहा कि लोकसभा चुनाव करीब है, इसलिए फिलहाल इस पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनके आवेदन को दरकिनार कर दिया। नए कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। इसे लेकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम की पत्नी अक्षता मूर्ति और उनके पिता इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोनों बेंगलोर के एक आम आइसक्रीम पार्लर में गए थे, जहां स्टाफ ने उन्हें पहचान ली और उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेघना ग्रीस नाम की एक्स यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूरी जगह खचाखच से भरी हुई थी, वे बिल्कुल शांति से और आइसक्रीम खरीदा, लेकिन स्टाफ के कुछ सदस्यों की ओर से उन्हें पहचान लिया गया और बैठने के लिए कुर्सियां दे दी गई थी। इसके बाद काफी खुशी से फोटो क्लिक की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। उम्मीद है कि बोर्ड के साथ छात्रों ने भी परीक्षा के लिए कमर कस ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल CBSE बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में कई तरह के बदलाव किए हैं। ये बदलाव सिलेबस के साथ बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न पर भी हैं।
इस साल CBSE द्वारा डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन आर्मी में नए अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 13 फरवरी 2024 से शुरू हुई है। जो उम्मीदवार योग्य और इच्छुक हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह भर्ती 4 श्रेणियों के लिए होंगी जिसमें अग्निवीर GD, अग्निवीर क्लर्क व SKT, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन शामिल है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद युवाओं को पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में जल्द ही एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। अभी बिहार में 2 साउथ और नॉर्थ केंद्रीय यूनिवर्सिटी मोतिहारी व गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय और नालंदा यूनिवर्सिटी अभी केंद्र सरकार अंतर्गत बिहार में संचालित है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें से 1 उम्मीदवार गोवा और 2 उम्मीदवार गुजरात से हैं। गोवा दक्षिण सीट पर बेंजी वेगास आप उम्मीदवार होंगे। वहीं भरूच से चैतर वसावा और उमेश भाई मकवना भावनगर से चुनाव लड़ेंगे। 3 उम्मीदवार फिलहाल विधायक हैं और अब इन्हें सांसद का टिकट मिला है। वसावा ने डेडी यापारा सीट और मकवना ने बोतर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। वेजी वेगास बिनाउलीम सीट से विधायक हैं। किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को किसान आंदोलन को लेकर पत्र लिखा है। इसमें बार एसोसिएशन ने किसानों के दिल्ली चलो मोर्चे को स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन लेने का अनुरोध किया है। बार एसोसिएशन ने CGI DY चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में किसान आंदोलन में गलत उद्देश्यों से शामिल होने किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही इसमें CGI चंद्रचूड़ से मांग की गई है कि किसानों के विरोध में प्रदर्शन के कारण आज जो वकील कोर्ट में पेश ना हो पाए उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए। वसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। वसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इस बार वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने सोमवार को कहा है कि उनके सहयोगी अशोक चौहान का पार्टी छोड़ने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान ने यह भी कहा है कि उन्हें नहीं पता कि अशोक चौहान ने किस मजबूरी में कांग्रेस का साथ छोड़ा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, कभी नहीं सोचा था कि उनके जैसा व्यक्ति ऐसा कदम उठाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, पार्टी छोड़ने वालों को मतदाता सबक सिखाएंगे। अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफे के बाद कहा कि उनका यह निर्णय व्यक्तिगत है और इसकी कोई वजह नहीं बताना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 और मई 2023 के बीच कम से कम 102 प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड रद्द कर दिए हैं। सूचना के अधिकार के तहत सोमवार को आर्टिकल 14 में यह जानकारी दी गई है। भारत की विदेशी नागरिकता एक आवृजन स्थिति है जो भारतीय मूल के विदेशियों को अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। यदि कोई भारत की विदेशी नागरिकता का दर्जा खो देता है तो उसे देश छोड़ना होगा और वापस लौटने के लिए वीजा के लिए आवेदन करना होगा। बिहार में जिलों के बीच विकास के पैमाने पर बड़ी विषमताएं हैं। राज्य के कुछ जिले विकसित हैं तो कुछ जिले काफी पिछड़े हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के जारी सभी सूचकों की रैंकिंग के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर और सारण विकसित तो अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज और लखीसराय पिछड़े जिले हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और पुलिस ने किसानों को रोकने के व्यापक इंतजाम किए हैं। किसानों के नहीं मानने के बाद उन्हें राजधानी में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डर को बंद कर दिया है। किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने के लिए किल वाले फ्रेम, कंटीले तारों की फेसिंग और सड़कों पर सीमेंट के बोल्डर रखे गए हैं। चेतन आनंद ने कहा है कि तेजस्वी को वे आज भी अपना बड़ा भाई मानते हैं, परंतु उनकी पार्टी में उनके आसपास रहने वाले कुछ खास लोग जिस तरह का व्यवहार करते वह कहीं से भी स्वीकार नहीं है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान पाला बदलकर NDA की तरफ जाने वाले RJD विधायक चेतन आनंद ने इस परिस्थिति स्पष्ट की है। ठाकुर जाति को लेकर सांसद मनोज झा ने जिस तरह से कविता के माध्यम से अपमान किया था वह अपमान मन को दुखी करने वाला था। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं का भी व्यवहार निरंतर खराब होता जा रहा, इसी वजह से पार्टी से उनका मोह भंग होता चला गया। ICC ने U19 विश्व कप में खेलने वाली सभी टीमों को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 की घोषणा की है। इस टीम में भारत के 4 खिलाड़ी हैं। वहीं दोनों फाइनलिस्ट यानी विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिलाकर कुल 7 खिलाड़ी हैं। भारत के कप्तान उदय सहारन
ऑलराउंडर मुसीर खान, सचिन धस और सौम्य पांडे को इस टीम में जगह मिली है। महाराष्ट्र में नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बीच शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने आदर्श हाउसिंग घोटाला मामले उठाते हुए अशोक चौहान पर निशाना साधा और कहा कि अगर भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजती है तो यह शहीद सैनिकों का अपमान होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि करप्शन की एक एक फाइल खुलेगी। एनडीए के विधायकों को गायब करने की कोशिश करने वालों का भी इलाज होगा, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर लूट खसोट कर रहे थे। नौकरी देने का श्रेय लेने वालों को याद रखना चाहिए कि 1990 से 2005 के बीच 1 लाख तो 2005 से 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। 2.25 लाख शिक्षक बहाली का फैसला एनडीए का ही था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, अनवर हुसैन, नीरज सिंह, एमडी साकिर हुसैन, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, देश में एमएसपी को लेकर किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, आपके मुताबिक किसानों की यह मांग कितनी जायज है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।